Brought to you by Physics Wala. फलहार वीरवान के होठ खींचने पर इस कहावत को चरितार्थ किया है कि मध्यम परिवार से आने वाले बच्चे ने का नाम है अभिषेक। जम्मू टू जर्मनी की यात्रा है उनकी। मेरे साथ हैं अभिषेक। अभिषेक बिहार तक में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। ये बताइए कि ये पूरा सफर आपका कैसे स्टार्ट हुआ और पूरी कहानी इसकी क्या है? जी, मैंने दिसंबर में अमेजोन के लिए अप्लाई किया पब्लिक लोकेशन के लिए। उसके बाद 14 दिसंबर 2021 को मैंने इसका टेस्ट किया जो कि एक स्क्रीनिंग राउंड था। स्क्रीनिंग राउंड को क्वालिफाई करने के बाद मार्च में मुझे पता चला कि मुझे इंटरव्यू देना है। तो 13 अप्रैल 2022 को मैंने 3 राउंड इंटरव्यू दिया जो कि हर राउंड 1-1 घंटे का था। उसमें 2 इंटरव्यूअर जर्मनी देश के थे और 1 इंटरव्यूअर आयरलैंड देश के थे। इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन के सही जवाब देने के बाद मुझे ऑफर 21 अप्रैल को मिला। ये कितना का पैकेज है? और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सबसे हाईएस्ट पैकेज है बिहार का या एनआईटी का। जी हाँ, ये 1.8 करोड़ का पैकेज है। लेकिन एक और लड़की का है जिसका और इससे अच्छा पैकेज लगा है एनआईटी से, लेकिन वो जमशेदपुर की रहने वाली है। बिहार में ये कर सकते हैं, हाईएस्ट पैकेज है। तो ये प्लेसमेंट से आपका हुआ, कैसे प्रोसेस इसका क्या था? जी, मैंने अमेजोन की जो करियर वेबसाइट है वहां पर जाके मैंने अप्लाई किया और उसी के बाद मेरे रिज्यूमे के बेसिस पे मुझे टेस्ट लिंक दिया गया मुझे रिक्रूट करने के लिए। कोडिंग टेस्ट हुआ जो कि मेरे कोडिंग स्किल्स को मापा गया कोडिंग टेस्ट से। इंटरव्यू में भी मुझे कोडिंग के सवाल पूछे गए जिससे कि मेरा जो कोडिंग में किस तरह का कितना नॉलेज है वो मापा गया है। तो कोडिंग क्या होता है? आज तक के दर्शकों को यह पता है कि कोडिंग टेस्ट क्या होता है? जी, कोडिंग टेस्ट में जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे भी, मैंने हर जगह जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे मोबाइल में जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, ऐप्स जो बन रहे हैं, उसमें हम लोग लॉजिक्स लिखते हैं कोडिंग के बेसिस पे। ये एक मशीन के भाषा है, मशीन की भाषा को लिखते हैं हम लोग इंसान, वो उसी को लिखना को कहते हैं कोडिंग। और इस कोडिंग की मदद से हम लोग ऐप्स बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, जितने भी सर्विस अब यूट्यूब ये आप आज तक चैनल की वेबसाइट है वो सब सभी कोडिंग के बलबूते पर है। अमेजोन में अप्लाई करने के पहले आप क्या कर रहे थे? क्या है आपकी पढ़ाई, क्या कर रहे थे? जी, मैं एनआईटी पटना से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ रहा था 2018 से 2022 तक, और ये मेरा 4th ईयर था और ये प्लेसमेंट अगस्त में शुरू हुआ। और शुरुआती दौर में ही मुझे पेटीएम कंपनी से ऑफर मिला, तो उस समय मुझे थोड़ा असंतोष था। मैं चाह रहा था कि मुझे और ज़्यादा पैकेज मिले, इसीलिए मैंने मेहनत करना बरकरार रखा। और मेहनत करते करते अंत में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं इंटरनेशनल ऑफर की तरफ भी ट्राई करूं। और ट्राई करने के बाद मैंने अमेजोन यूरोप लोकेशन के लिए अप्लाई किया और आखिरी में मुझे सफलता मिली। आगे क्या है प्लानिंग? जब अमेजोन में आपकी इतने सक्सेसफुल हो गया, इतना अच्छा पैकेज मिला है, कैसा फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत खुशी महसूस हो रहा है क्योंकि मैं बहुत ही पिछड़े जगह से आता हूँ, ये उतना डेवलप्ड नहीं है बिहार में। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि अब जो मैंने ये करोड़ का पैकेज लिया तो इनसे और सारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, वो भी काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। मेरे परिवार जन बहुत ही खुश है, जितने भी फ्रेंड्स हैं काफ़ी खुश है, बहुत बधाई दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दूसरों को प्रेरित करके, दूसरे के चेहरे पर खुशी लाकर। और आने वाले समय में मैं जर्मनी जाऊँगा, वहाँ एक्सप्लोर करूँगा, सीखूँगा और देखूँगा कैसा सब चलता है। और कुछ साल के बाद वापस मैं इंडिया आके यहाँ पर अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन करूंगा ताकि देश के निर्माण में कुछ भागीदारी मेरी भी हो। जी कभी बिल्कुल नहीं सोचा था, जब भी मैंने अप्लाई करने से पहले भी मुझे काफी डर लग रहा था, इतना बड़ा सपना होगी इतने कम उम्र में पूरा होगा, बिल्कुल ये मेरे लिए अकल्पनीय था शुरू से। आगे क्या प्लानिंग है, आगे क्या करना है? पहले तो मैं वही जर्मनी जाऊंगा, कुछ साल वहाँ जाके वहाँ एक्सप्लोर करूंगा, नई टेक्नोलॉजी सीखूंगा, देखूंगा कैसे सब काम करता है। उसके बाद वापस देश में आके कुछ ऐसे साधन बनाऊंगा जिससे हमारे देश में रोजगार बढ़े और हमारा देश और भी तरक्की करे। बिहार के युवाओं को या देश के युवाओं को कुछ संदेश
कि मैं यही सभी युवाओं से कहना चाहूंगा कि वो कभी हिम्मत ना हारे, हमेशा कठिन परिश्रम करते रहे। कभी उन्हें असफलता मिल रही है और वो परिश्रम कर भी रहे हैं तो इन सभी परिश्रमों का फल उन्हें आगे में जरूर मिलेगा और वो जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। सफलता प्राप्त करने से के बाद लोगों से काफी उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ अभिषेक, जिन्होंने कम उम्र में एक बड़ी से एक मुकाम हासिल किया है, जैसे लोगों को खासकर बिहार के लोगों को इसे सीखा।